मेरे तो ब्रेक ही काम नहीं कर रहे। आप लोगों ने बाइक्स पे तो मोटर ब्लॉगिंग देखी होगी, बट आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा साइकिल ब्लॉगिंग। वहाँ पे थोड़ा काफ़ी स्लैंड था पीछे, इसलिए थोड़ी अपने आप साइकिल की स्पीड बढ़ गई और रोड थोड़े से ख़राब थे इसके वजह से। तो भाई सर, ये है हिंदक नदी, जो मेन गंगा नहीं है बट गंगा का एक स्ट्रीम है। यहाँ पे पता नहीं अभी ईंटों का सीज़न है शायद, कोयला जिसमें ज़्यादा खर्च हो जाता है अभी ठंडी के टाइम पे, तो इसलिए ईंटे के भाव अराउंड 13,000-14,000 पर लॉरी लगती है। ये देखिए, ये नदी है। यूजुअली अगर गर्मियों के सीज़न में ये सूखा होता है तो हम रोड ऐसे क्रॉस करके उस तरफ चलते हैं। उस तरफ भी पूरा, उसको पूरा दियर गांव कहते हैं। तरफ मेन गंगा उस तरफ बैठती है। किसी दिन मैं अपने बाइक से आऊँगा तो आपको उसका भी व्यू दिखाऊँगा जहाँ मेन गंगा है। अभी हम लोग इस वाले नदी के पास है, ये जो छोटी वाली गंगा नदी कह सकते हो आप लोग। और ये जो मेन गंगा है वो ये है, वो यहाँ खासपुर और लोधीपुर के बीच से यहाँ से डाइवर्जन आ जाता है और ये गंगा का एक स्ट्रीम है जहाँ पे भी हम लोग हैं। और मेन गंगा यहाँ से होती है, ये खेतों के बीच से हम जब आगे दिखाएंगे आपको वीडियो में। अभी हम लोग कहाँ हैं एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हैं हम लोग और मैं आपको इस गंगा के उस तरफ भी जाके दिखाऊंगा, और ये कुछ खेत भी है मैंने आपको दिखाए थे। लेफ्ट राइट साइड अगर आप देखेंगे तो पूरा ईंटों का भट्टी है, और ये गर्मी के टाइम में सूखता था तो यूजुअली ऐसे नॉर्मल भी क्रॉस कर सकते हैं, बाइक साइकिल ट्रैक्टर वैक्टर आराम से जाते रहते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रोलिंग बीच। आज हम आए हैं गंगा घाट किनारे। मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाना चाहता हूँ। आज मैं आपको कुछ ब्लॉग दिखाऊंगा इस साइकिल से। वेदर तो यह है, इनसे पूछते हैं ठंडी के टाइम में। भैया ठंडी के टाइम में यहाँ पे क्या भाव हो जाता है ईंटों का, एक टन का? हमारे 10-12 हज़ार। तो ठंडी के टाइम में महंगा हो जाता है, सस्ता हो जाता है? महंगा हो जाता है। गर्मी में सस्ता, क्योंकि कोयला कम लगता है इसी के हिसाब से। तो गर्मी के टाइम में कितना भाव हो जाता है? 9,000-10,000। इसको निकाल देख सकते हैं आप चारों तरफ, हर जगह कहीं जेसीबी से, कहीं ये भैया जो मैन्युअली कर रहे थे कुदाड़ी से उससे निकाल रहे थे। और ये मिट्टी को एक जगह इकट्ठा किया जाता है जिसको सॉफ्ट क्ले मिट्टी कहा जाता है, और उसी क्ले मिट्टी से इनके पास एक साचा टाइप का होता है, तो उसमें उस मिट्टी को डाल के ये शेप दिया जाता है। और ऐसे ही इनको, ये किस कंपनी का है, राजन, अच्छा तो राजन ब्रांड होगा इन भट्टे वालों का, तो ऐसे ऐसे करके इनको शेप दिया जाता है। और जो मैं साचा की बात कर रहा था, ये है वो मॉड्यूल। तो इस मॉड्यूल में वो क्ले वाली मिट्टी डालते हैं, और ये राजन करके आप देख भी सकते हैं इंग्रेव्ड है इसमें, तो इससे ये मिट्टी ये लुंग पक्का करके यहाँ पे सजाया जाता है सूखने के लिए। तो धन्यवाद भैया, आपने हमें बताया इसके बारे में। तो चलिए गाइस, ये तो देख लिया आपने गंगा किनारे ईंट के भट्टी कैसे काम करते हैं। वो है मेरी साइकिल, साला कोई चुरा ना ले जाए। तो गाइस, यहाँ पे आपने सुना ईंटें बनने का प्रोसेस, काफ़ी ज़्यादा ठंड में लोग मेहनत करते हैं। तो ठंडी में ईंटों के भाव इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि कोयला ज़्यादा लगता है, गर्मियों में थोड़ा सा कम हो जाता है 2-3 हज़ार रुपये। मैं गाइस वो नदी के उस पार जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट्स सी सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं। आप व्यू को एंजॉय कीजिए। मैं आपको बता रहा था
ये जो आगे भट्टे वाले भैया होंगे जिनका ये भट्टा होगा, उन्होंने ये मिट्टी पूरा डाला है इस नदी के ऊपर। पूछिए कितना ही मिट्टी गया होगा कि वाटर के फ्लो को रोका, और यहाँ पे इन्होंने ट्रैक्टर के जाने के लिए इंतज़ाम किया होगा कि वो भट्टा जो भी ईंटें बनाते हैं उसको वो कर पाए, मेन शहर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुँचा पाए वो। वो देखिए गाइज, यहाँ से मैं आपको पिछला वीडियो दिखा रहा था, वहाँ पे खड़ा था मैं उस पेड़ के पास। मैं भी आपको दिखाता हूँ खेतों का नज़ारा कि यहाँ पे जिसके खेत हैं, जिसके क्या मेरे ही खेत है, पीछे के साइड अगर आप जाएंगे और पूरा खेती खेत हुआ करता था। मैं आपको अपना खेत भी दिखाऊंगा गाइस, चलिए चलते हैं। साइकिल चलाते हुए 2 किलोमीटर हो गया तो खेत नहीं है गाइस, खेतों की बात कर रहा था। चलिए यही है गाइस खेतों का नज़ारा, यही मैं आपको दिखाना चाहता था। बट धीरे धीरे भट्टे वाले खरीदते जाते हैं या रेंट पे ले लेते हैं ज़मीन सालों साल के लिए, तो अब धीरे धीरे ऐसा आप देख सकते हैं ये सब एरिया तो पूरे ईंट के भट्टों में कवर हो चुका है, बट ये पार्ट अभी भी खेत रह रहा है मेरा। तो इस तरफ अगर आप देख सकते हैं ये गोभी की खेती की गई है, यहाँ पे काफ़ी कम लगाया है या फिर लोग डेली यहाँ पे निकालते भी होंगे खुले में। और ये कोई साग है, साग का नाम मेरे को तो याद नहीं, ये रेड वाला साग पता नहीं मेरे को नाम, सॉरी लिया होगा। मेरी साइकिल आप देख सकते हैं गाइस वहाँ, अगर कोई ले के भागे तो मैं साला पकड़ भी नहीं पाऊँगा यहाँ से, तो भी थोड़ा साइकिल के पास ही चलते हैं। वैसे खेतों में ऐसा होता नहीं है, सभी एक दूसरे को जानते हैं। थोड़ा सा टाइम लैप्स दिखाना चाहता था सनराइज़ का, बट आई एम नॉट श्योर वो पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि शायद सनराइज़ बहुत लेट होगा और सनराइज़ के चक्कर में खेतों में ही ना बैठा रह जाऊँ और सांड आके कुछ नहीं। चलते नदी के पास जाके मिलते हैं। तो हम लोग गाइस पहुंच गए हैं, तो गाइस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम 1-2 घंटे और भी बैठेंगे, तो इस फॉग की वजह से सनराइज़ दूर दूर तक होने वाला है। मैं काफ़ी गंदा भी हो गया हूँ, तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खूब सारा खाएं, और मिलते हैं कुछ नए कंटेंट के साथ वीडियो में।